पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी। लाभार्थियों से बोले पीएम मोदी, सरकार की योजनाओं से लोगों को जीवन में आया बदलाव, सरकार लोगों का विश्वास जीत रही है। पीएम मोदी बोले, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विश्वास बढ़ा रही है, अब घर घर जा रही है गारंटी वाली गाड़ी। क्रिसमस के दिन पीएम आवास पर हुआ विशेष कार्यक्रम, ईसाई समुदाय के बच्चों से मिले पीएम मोदी, शेयर किया वीडियो। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट, सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो संदिग्ध, रूट मैप और मोबाइल लोकेशन से जांच शुरू। दिल्ली पुलिस की 12 टीमें जांच में जुटी, 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ब्लास्ट का मिलेगा सुराग। घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम, ब्लास्ट की जांच में जुटी, एनएसजे की टीम भी मौके पर मौजूद। घटना के बाद इजरायल एम्बेसी की बढ़ाई गई सुरक्षा, पैरामिलिट्री जवान किए गए तैनात। दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में आंध्र प्रदेश के नेताओं की मीटिंग, कांग्रेस चीफ खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में महारैली का ऐलान, है तैयार हम होगा नाम। राहुल गांधी की दूसरी यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से होगी शुरू, 20 मार्च को मुंबई में होगी खत्म, न्याय यात्रा 14 राज्यों को कवर करेगी। बिहार के बड़े सियासी उलटफेर की हलचल, ललन सिंह के जेडीयू प्रमुख पद से इस्तीफा देने की अटकलें। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले इस्तीफा देने के लग रहे हैं कयास। खबरों के मुताबिक ललन सिंह ने खुद नीतीश कुमार से पद मुक्त किए जाने का किया था आग्रह। ललन सिंह ने ही नीतीश को पीएम बनने का दिखाया था सपना, जो अब टूट गया, उपेंद्र कुशवाहा का निशाना। पटना में सीएम नीतीश से मिले पूर्व सांसद आनंद मोहन, पत्नी लवली आनंद भी रही मौजूद, जेडीयू में जाने की अटकलें तेज। दिल्ली में पूर्व विधायक सूरज भान, काजल सहित कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहे मौजूद। इंडिया गठबंधन से पीएम फेस पर बोले संजय राउत, लोकतंत्र में होते हैं कई चेहरे, तानाशाही वाली राजनीति में होता है एक चेहरा। सीए पर अमित शाह के बयान पर प्रियांक खड़गे का पलटवार, कहा अमित शाह अब तक के सबसे अक्षम गृह मंत्री। सीए पर अमित शाह के बयान पर बोली टीएमसी सांसद कुणाल घोष, जब चुनाव आता है तो सीए पर करते हैं बात। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत बोले गृहमंत्री शाह राजनीति खेलने में सक्षम, देश की सुरक्षा में 100% असक्षम। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज ने छोड़ा सीएम आवास, नए बंगले में हुए शिफ्ट, पत्नी ने आरती उतारकर किया स्वागत। मध्यप्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह का बयान, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का निशाना, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी शरद पवार और उनकी बेटी हैं। जितेंद्र आव्हाड का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर निशाना, शरद पवार पर लगाए गए आरोप सिद्ध कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी, कोलकाता में अमित शाह और जेपी नड्डा ने की बैठक, 2024 को लेकर बनाई रणनीति। बीजेपी ने बंगाल में 15 सदस्यीय नई कोर कमेटी गठित की, समिति में 10 बंगाल और 5 केंद्र के नेता शामिल। गृहमंत्री अमित शाह का दावा, बंगाल के लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा, बीजेपी को 35 सीटों का देगी आशीर्वाद। हरियाणा के बहादुरगढ़ के छारा गांव पहुंचे राहुल गांधी, वीरेंद्र अखाड़ा में पहलवानों से की मुलाकात, बजरंग पुनिया भी साथ। पहलवान दीपक पुनिया का गांव है छारा, दीपक और बजरंग ने वीरेंद्र अखाड़े से एक साथ शुरू की थी कुश्ती। झज्जर के छारा गांव में अखाड़े में राहुल गांधी ने की कसरत, पहलवानों के साथ कसरत करते हुए नजर आए। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का किया ऐलान, सोशल मीडिया के दी जानकारी, नाम लिए बगैर ताकतवर लिखकर कसा तंज। विनेश फोगाट ने लिखा, इस हालात में पहुंचने के लिए ताकतवर का बहुत बड़ा धन्यवाद, पीएम मोदी को लिखे खत की तस्वीर भी शेयर की। पीएम मोदी से मिले तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, प्रदेश से जुड़ी योजनाओं को लेकर की चर्चा। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने ली मीटिंग, अधिकारियों के साथ गंगा सागर मेले की तैयारियों की समीक्षा की। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। जम्मू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलजी मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। राजौरी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारा हर घर हर सैनिक परिवार के सदस्य का सम्मान, सैनिकों के ऊपर कोई नजर बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल, जवानों ने किया कदमताल।
श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने आईडी किया डिफ्यूज। गैस सिलेंडर में फिट था आईडी बम। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की तस्वीरें आई सामने। शानदार दिख रहा है एयरपोर्ट। अडानी ग्रीन एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच करार। 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगी टोटल एनर्जी। 1050 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे। देवबंद में मदरसा स्टूडेंट मोहम्मद तलहा की सोशल मीडिया पोस्ट। पुलवामा हमला दोहराने की दी धमकी। पुलिस ने किया अरेस्ट। तमिलनाडु के कांचीपुरम में दो हिस्ट्रीशीटर्स का एनकाउंटर। हिस्ट्रीशीटर प्रभा के मर्डर के आरोपी थे रघु और असीम। जयपुर में क्रिसमस पार्टी के दौरान दो कपल्स में झगड़ा। आरोपी ने कार से दूसरे लड़के को मारी टक्कर। उसकी गर्लफ्रेंड को कार से रौंदा। कर्नाटक के बीदर में कार ने 2 साल के बच्चे को रौंदा। मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में वीडियो आया सामने। तेलंगाना के रंगारेड्डी के अट्टापुर में आग। स्क्रैप गोदाम जलकर खाक। फायर ब्रिगेड के फाइटर्स ने बुझाई आग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगलों में लगी आग। तीसरे दिन पर काबू नहीं। आग से बड़े पैमाने पर हो रहा है पेड़ों का नुकसान। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 बाइक सवार स्नैचर्स ने महिला की खींची चेन। चित्रकूट थाना इलाके में मामला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खेत में मवेशी घुसने को लेकर फायरिंग। 3 लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों पक्षों में पहले लाठी डंडे से हुई मारपीट। बाद में एक पक्ष ने की फायरिंग। बिहार के कटिहार में अवैध आरा मिल की जांच करने गए वन विभाग की टीम पर हमला। गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। आरा मिल मालिक और ग्रामीणों ने लाठी डंडों से किया हमला। महिला कर्मचारियों के साथ भी की मारपीट। वन विभाग के कर्मचारियों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर जलाने की कोशिश। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से मिल मालिक सहित 50 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई FIR। राजस्थान के हनुमानगढ़ में करीब आधा दर्जन लोगों ने बस रोककर की ड्राइवर कंडक्टर की पिटाई। लाठी डंडों से बस में की तोड़फोड़। बस में बैठे कई यात्रियों को भी लगी चोट। बस के ड्राइवर ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। बस ड्राइवर और एक आरोपी के बीच एक दिन पहले हुआ था विवाद। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है छापेमारी। दिल्ली के करावल नगर में एक स्क्रैप कर्मचारी की हत्या। बकाया नहीं चुकाने पर किया गया मर्डर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के एन्नौर में सबसी पाइप से अमोनिया गैस लीक। 5 लोगों की हालत खराब। अस्पताल में भर्ती। एन्नौर के अस्पताल पहुंचे तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर। अमोनिया गैस लीक से पीड़ितों की मुलाकात। बेंगलुरु में कन्नड़ रक्षा वैदिक संगठन का प्रदर्शन। दुकानों के दूसरी भाषा में लिखे बोर्ड तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने रोका। आगरा में एक्सप्रेसवे पर हादसा। मुर्गी लदी गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। आसपास के लोगों ने लूटी मुर्गियां। असम के तेजपुर में सुबह 5:53 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता दर्ज। मुंबई पुलिस का नो हुकिंग अभियान। जेजे फ्लाईओवर और भिंडी बाजार इलाके में लोगों को किया गया जागरूक। दिल्ली में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज। सुबह घने कोहरे के साथ विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में घने कोहरे से रेल सेवा पर पड़ा असर। विजिबिलिटी कम होने से 25 ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर घने कोहरे की फ्लाइट लेट। कई इंटरनेशनल और 24 डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर असर। नोएडा में कड़ाके की ठंड शुरू। सुबह छाया घना कोहरा। गाड़ी चलाने वालों को उठानी पड़ी परेशानी। गाजियाबाद में भी घने कोहरे का प्रकोप। विजिबिलिटी हुई 0। हेडलाइट चलाकर गाड़ी चला रहे थे लोग। वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप। सुबह छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई 0। मुरादाबाद में भी कड़ाके की ठंड। सुबह छाया घना कोहरा। ट्रैफिक पर बड़ा असर। आगरा में घने कोहरे के कारण आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में कई लोग जख्मी। रायबरेली में कोहरे के कारण सड़क हादसा। बरेली सुल्तानपुर हाईवे पर एक घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। बागपत में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा। ट्रेवलर बस और ट्रक की टक्कर। 2 लोग की मौत। 15 घायल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। कोहरे के कारण आपस में टकराई 12 गाड़ियां। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा। घने कोहरे के कारण टकराए कई वाहन। 1 शख्स की मौत। कई घायल। मथुरा में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं लोग। पंजाब के अमृतसर में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी हुई कम। गाड़ियों की रफ्तार हुई कम। हरियाणा के अंबाला में बड़ी शीतलहर। घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर। लोगों की बड़ी परेशानी। शीतलहर की चपेट में गुवाहाटी शहर। सुबह छाया घना कोहरा। हेडलाइट ऑन कर गाड़ी चलाते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी ठंड। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद लो। झारखंड सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। शीतलहर को देखते हुए सरकार का फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के थूथुकुड़ी पहुंची। बाढ़ से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। लिया जायजा।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। अटल टनल के पास लगा लंबा ट्रैफिक जैम। नेपाल के जनकपुर से निकली राम जलाभिषेक यात्रा पवित्र नदियों से 251 लीटर जल लेकर 29 दिसंबर को पहुंचेंगी अयोध्या। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। निर्माणाधीन राम मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ दिख रहा है। तस्वीरों में मंदिर में लगी मूर्तियां, संगमरमर का फर्श और उसमें लगी शानदार नक्काशी भी साफ दिख रही है। राम मंदिर में लगेंगे सोने से जड़े 14 दरवाजे, हैदराबाद में तैयार हुए हैं। भगवान रामलला के परिसर में लगाए जाएंगे 42 दरवाजे, 14 दरवाजे गर्भगृह में लगेंगे, ज्यादातर दरवाजे मंदिर में लगने शुरू। राम मंदिर निर्माण के लिए 4000 से ज्यादा मुसलमानों ने भी दिया दान। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने दिखाया मंदिर का मैप, सभी जगहों की विस्तार से दी जानकारी। अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया गया निरीक्षण। अयोध्या में बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले अब दर्शन के लिए परेशान। अयोध्या के अशरफी भवन चौक पर सफाई अभियान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगाई झाड़ू। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्तों में वीएचपी, देशभर में बांटेगी 1 करोड़ से ज्यादा हल्दी अक्षत कलश। मुंबई में शुरू खास तैयारी। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में लगी फ्लावर एग्जीबिशन, फूलों से बनाया गया राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान, कहा पूरे देश में राम मंदिर से जुड़ा है मुद्दा, ये मुझे परेशान करता है। सैम पित्रोदा ने कहा धर्म व्यक्तिगत चीज है, इसे राष्ट्रीय मुद्दे से मत जोड़िए। राष्ट्रीय मुद्दा शिक्षा, रोजगार, तरक्की, अर्थव्यवस्था, महंगाई, स्वास्थ्य होना चाहिए। सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा एक प्रधानमंत्री सारा वक्त मंदिरों में बिता रहा है, ये परेशान करता है, इसके बजाय स्कूलों और लाइब्रेरी में मैं जाता। कांग्रेस नेता पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बयान, कहा भारत के लोग समझदार हैं, किस तरह से देश बनाना चाह रहे हैं ये भारत के लोग तय करेंगे। सैम पित्रोदा ने इशारों में इंडिया अलायंस को दी सलाह, राहुल गांधी कर सकते हैं नेतृत्व। सैम पित्रोदा ने दुनिया भर में भारत को लेकर की बात, कहा भारत दुनिया की नियति तय कर सकता है, हमें दुनिया के नेताओं से मिलकर बताएं हम कौन हैं क्या हैं। राम मंदिर पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा, पीएम मोदी सभी धर्मों के हैं, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर कांग्रेस को क्या समस्या। हमास आतंकियों के इसराइल की ओर से रॉकेट दागे गए, इसराइल ने आयरडोम रक्षा प्रणाली से रॉकेट को रोका। इसराइली सेना ने गाजा में फलस्तीन शरणार्थी शिविरों पर बमबारी की, मचाई भयानक तबाही। वेस्ट बैंक में इसराइली सेना ने की जबरदस्त बमबारी, कई बिल्डिंग हुई ध्वस्त, बेघर हुए लोग। इसराइली हमले में शरणार्थी शिविर की बिल्डिंग में लगी आग, घरों में घमासान, घरों का सामान हुआ बर्बाद। गाजा पट्टी में दिन ढलने के साथ इसराइल ने की ताबड़तोड़ बमबारी, आसमान पर छाई धुंध की चादर। गाजा और खान यूनिस में इसराइल ने हमास पर किए जबरदस्त हमले, पिछले 24 घंटों में 240 लोग मारे गए, छोटे छोटे इलाकों में फलस्तीन ले रहे हैं शरण। इसराइल ने गाजा से बरामद शवों की फलस्तीनी अधिकारियों को लौटाया, ट्रेलर ट्रक में दर्जनों मृतक शवों को लाया गया। इसराइल सेना ने फलस्तीन क्षेत्र में चल रही घुसपैठ के दौरान शवों को अपने पास रखा था, दफनाने के लिए अधिकारियों को लौटाया। अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित बलों का इस्तेमाल किए जाने वाली साइटों पर हमला किया, एक की मौत, 18 घायल। ईरान में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद की कार्रवाई, बाइडेन ने ईरान समर्थित समूहों पर हमले के दिए थे आदेश। क्रिमिया पर यूक्रेन के हमले में रूसी नौसेना का जहाज क्षतिग्रस्त, यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों से किया हमला। नाइजीरिया में 2 समुदायों के बीच भीषण हिंसा, 140 लोगों की मौत। सुरक्षा एजेंसियों की मदद से नाइजीरिया सेना संदिग्धों की तलाश में जुटी, हमले किसान चरवाहा संकट के कारण हुए। ब्रिक्स समूह से जुड़ना चाहते हैं 30 देश, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लारोव का दावा। रोमानिया के गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत, कई लापता। गेस्ट हाउस में 26 लोग ठहरे हुए थे, 18 लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, आग लगने का कारण अज्ञात। इंडोनेशिया में निकल प्लांट की भट्टी में विस्फोट से मरने वालों की संख्या 18 हुई, पुलिस ने जांच पूरी होने तक संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया। जर्मनी में भीषण बाढ़ का कहर, घर, खेत और सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, प्रशासन ने तटीय इलाकों पर अलर्ट जारी किया। G7 देशों के रूसी कच्चा हीरा पर बैन के फैसले से सूरत में हीरा बाजार में चिंता का विषय, कारोबारियों ने बैन का बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई। हीरा व्यापारियों के मुताबिक रूस से सबसे अधिक कच्चा हीरा आता है भारत, जिसका प्रोसेस्ड कर G7 देशों को निर्यात किया जाता है।
मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर बाहर जुटे फैंस, लगाया पोस्टर, सलमान का 58वां जन्मदिन किया सेलिब्रेट।